ये बात तो सभी जानते हैं, हमारे इस पृथ्वी में जो कुछ भी है सब कुछ कुदरत का बनाया हुआ हम इंसान के लिए एक तोहफा है। और कुछ ऐसा भी है जिसे सोचने से रोंगटे खड़ा हो जाते, जैसे कि इस पृथ्वी का अंत होना। इंसान हो चाहे जानवर, किसी भी जानदार चीज़ों को अपना निर्धारित समय पर ख़त्म या मर जाना। इस धरती पर ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुदरत के खिलाफ हैं, पर कुछ ऐसा साइंसदार है जो इसे मानने में इनकार करते हैं और कुदरत का नियमों को चुनौती देते हुए अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। साल 1934 में विज्ञान के इतिहास में कुछ ऐसा ही हुआ था जिसे किसी को भी उम्मीद नहीं थी। कुदरत के नियमों को चुनौती देते हुए वाकली के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट मैकनिस ने मरे हुए जानवरों को जिंदा कर दिया था। ये अब तक का सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण प्रयोग था। जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट के सफलता मिलने के बाद 1947 में कनिस ने इस प्रयोग को एक मृत व्यक्ति के शरीर पर करने की ठानी। इस प्रयोग के लिए उन्हें एक व्यक्ति भी मिल गया था जिसका नाम था थॉमस एमसी मैंगोली कोट के आदेश पर थॉमस को एक बच्चे का कत्ल करने के जुर्म में मृत्यु दंड सुनाया जा चुका था। जब कनिस को प्रयोग के बारे में थॉमस को पता चला तो उसने उसके संपर्क किया, जिसके बाद रॉबर्ट ने कोर्ट से अपने प्रयोग के लिए थॉमस को मृत्यु शरीर का इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को ठुकरा दिया था। फिर बाद में रॉबर्ट मैकनिस ने इस प्रयोग को दोबारा ना करने की कसम खा लिया था, लेकिन जब जब टाइम बीतते गए वैज्ञानिक ने अपना एक्सपेरिमेंट को बढ़ाते गए। लेकिन आज मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर ली कि नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। अमेरिका एल्को लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन नाम की एक कंपनी है, इसका ये कहना है कोई व्यक्ति जिसे दशकों पहले मृत्यु घोषित कर दिया गया हो, यानी कि जो व्यक्ति बड़े बीमारी को शिकार हो जाते हैं और डॉक्टर्स ने कुछ दिन या कुछ महीने का टाइम देते हुए ये कहते हैं कि इस टाइम के बाद इस इंसान का डेथ हो जाएगा, उसके पास आज भी मौका हो सकता है। मौत तब होती थी जब किसी का दिल रुक जाता था, तब जब उनका दिल फिर से शुरू नहीं हो पाता था और अब आगे बढ़ाया जा रहा है। आधुनिक विज्ञान क्रोनिक्स विज्ञान कथा की तरह लगता है, लेकिन ये आधुनिक विज्ञान पर आधारित है। जीवन को रोका जा सकता है और फिर से शुरू किया जा सकता है। आपके भविष्य में आपको स्वागत है। क्या भविष्य में 2050 या 70 तक मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर लेगा कि मरे हुए इंसान को फिर से वापस जिंदा कर देगा? आपके मूल्यवान फीडबैक हमें जरूर दीजिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताकि हम लोग दुनिया की उन सभी इतिहास और फैक्ट्स के बारे में जान सकें जो दुनिया के लिए आज भी सवाल बनकर रह गए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।